8-9 साल की। नमः देवाय नमः, नमः भूमयाय नमः, नमः सुप्ताय नमः, नमः सर्वबलाय नमः, नमः परिधिमये नमः, नमः प्रसन्न प्रभावाय नमः, नमः अभ्याय नमः। बाबा धाम में जहाँ तक मैं पिछले 17 वर्षों से लगातार हर सोमवार को दर्शन करने आता हूँ, बड़ी आस्था का केंद्र है, हमारे पूरे जनपद की धार्मिक आस्था का केंद्र है श्री गोकुल बाबा धाम। और जहाँ तक मठ पोतने की आस्था का विषय है तो इसमें हमारी श्रद्धालु महिलाएं आती हैं और अपने घर से चावल का ऐपन बना के लाती हैं और अपने पल्लू के कोने से पूरे मठ को पोतती हैं और अपनी मनोकामनाएँ रखती हैं। और रखने के साथ साथ ये सबके अंदर आस्था है, ये विश्वास है कि बाबा अगले वर्ष जब हम मठ पूतने आएंगे सप्तमी वाले दिन, तो तब तक हमारी मनोकामना। कहते हैं भगवान भोले के भक्त गोकुल ने इस गोकुल धाम मंदिर की स्थापना की थी। अपनी माँ से नाराज होकर गोकुल ने वैवाहिक जीवन में बंधने से इनकार कर दिया और यहीं पर समाधि ले दी थी, जिसके बाद जो है सप्तमी में यहाँ पर भक्त आते हैं बड़ी संख्या में और बाबा के इस मठ को पोतते हैं। खास बात यह है कि महिलाएं इस मठ को पोतती हैं और अपनी मनोकामना बाबा से मांगती हैं। भक्तों को पूरा विश्वास रहता है, बाबा के प्रति आस्था है कि बाबा उनकी अगले साल होने वाली मठ पुताई से पहले उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। यही वजह है लोग कई किलोमीटरों से दंडवत बाबा के इस दरबार में आते हैं और बाबा के दर्शन कर मठ को पोतते हैं। उन्नाव से वीरेंद्र यादव।